मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम्ब्रेस द साइंस। सो आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, द डीएनए। पिछले वीडियो में मैंने आपको द डीएनए बेसिक कराया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके चेकआउट कर लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज के हमारे वीडियो में सारा डीएनए एडवांस थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, जितना हो सकेगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस टॉपिक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ आए। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने पिछली क्लास में ये पढ़ाया था, ये पेंटोज शुगर है और ये इनकी नंबरिंग करी है हमने, और ये नाइट्रोजन बेस उससे अटैच है, और ये जो बॉन्ड है उसके बीच का वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, तो आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। सो हमारे आज के टॉपिक में द नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप एंड प्लस इट गिव्स अस द न्यूक्लियोटाइड। मतलब हमने जो जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था सेम वही है, नाइट्रोजन बेस है, शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। अब न्यूक्लियोटाइड के नीचे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा होगा। हमने डीऑक्सी राइबो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ हम डीएनए की बात कर रहे हैं, टॉपिक ही हम डीएनए पढ़ रहे हैं। तो डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबो होता है, दैट्स व्हाई वी से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, इन आरएनए ईच न्यूक्लियोटाइड हैज एन एडिशनल ओएच ग्रुप एट सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोस टू प्राइम ओएच। आरएनए की बात यहाँ पे की जा रही है, मतलब आरएनए में क्या होता है, ईच न्यूक्लियोटाइड, हर एक न्यूक्लियोटाइड के पास एक उसके एडिशनल ओएच ग्रुप लगा होता है, जबकि डीएनए में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आरएनए में ओएच ग्रुप एडिशनल एड होता है। वहां कहां पे, सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर दिख रहा है राइबोस का। इसके बाद ये हमारी फॉस्फेट की चेन है। यहाँ पे ये एरो क्या दिखा रहा है, ये एरो दिखा रहा है द फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड, मतलब कि दोनों फॉस्फो दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बना है, बीच में क्या है हमारा, ये फॉस्फेट ग्रुप था, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, एंड इनके बीच का जो हमारा बॉन्ड है उसे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। और ये जो मैंने बताया पहला न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, सो दे बोथ आर दी डाइन्यूक्लियोटाइड। एंड द फोर, द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन, ये चारों न्यूक्लियोटाइड मिला के हमारा बनता है पॉली न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट बता रहा है, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक थ्रू 3' to 5' 4' phosphodiester bond to form dinucleotide। मतलब दो न्यूक्लियोटाइड लिंक होते हैं किससे, दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, एक 3' का है और एक 5' का है, टू फॉर्म और क्या बनाते हैं, डाय न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन हो रहे हैं। थर्ड है हमारा व्हेन मोर न्यूक्लियोटाइड आर लिंक, जब ज्यादा न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से लिंक होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मोर देन 3 इज द पॉली। मैंने पिछली क्लास में बताया था मोर देन 3 इज पॉली, सो इट फॉर्म द पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब हम बात करेंगे कि डीएनए किसने डिस्कवर किया, कहां से आया, किसने सबसे पहले ये सोचा होगा कि इसे डीएनए भी कहते हैं। सो यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही होगी स्क्रीन पे, एफ मिक्सचर, ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। एफ मिक्सचर इन 1869 आइडेंटिफाइड डीएनए नेम इट इज न्यूक्लियन। सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में ऐसा कुछ देखा, डीएनए नहीं देखा, उन्होंने सबसे पहले इसे नाम डीएनए नहीं दिया था, उन्होंने ऐसा कुछ देखा और उसका नाम उन्होंने न्यूक्लियन रख दिया। उनको नहीं पता था इसका नाम डीएनए है या इसको डीएनए भी कहेंगे आगे, लेकिन उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियन रखा। नाउ द सेकंड वन इज स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वॉटसन एंड क्रिक। ये जो फर्स्ट फोटो है ये वॉटसन है एंड द सेकेंड इज क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इनका पूरा नाम है। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। हम सबको पता है डीएनए टू स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, दो हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसमें।
तो ये किसने बताया था हमें? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मिलके ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने हमें बताया कि डीएनए एक डबल हेलिक्स होता है। जो थर्ड फोटो में दिख रही है ये है मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन, मतलब कि मॉरिस विंकलिन सेकेंड वाले हैं, रोजालिन फ्रैंकलिन फर्स्ट वाली हैं, ठीक है। इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। इन्होंने दोनों ने मिलकर ये बताया था कि डीएनए जो है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पे प्रोड्यूस किया गया है, उसके ऊपर मतलब उस पे बेस्ड। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, डीएनए दिखने में कैसा होता है, लेंथ उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज अ डीएनए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो एक एक करके इसके पॉइंट्स हम याद करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है, डीएनए इज मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को मिला के हमारा डीएनए फॉर्म होता है, कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। कॉइल्ड होता है राइट हैंडेड फैशन में, ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड मतलब कुछ इस तरह से कॉइल हो रखा है, इस तरह से कॉइल हो रखा है वो, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड नहीं है, राइट हैंडेड फैशन से कॉइल्ड है, राइट हैंडेड फैशन बोलते हैं इसे, ठीक है। और क्या है, मैं दोबारा याद करा रही हूँ, डीएनए इज मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब है पिच ऑफ द हेलिक्स, हेलिक्स की पिच कितनी होती है, एक क्वेश्चन आ जाता है, एक मार्क्स में आ जाता है, नीट में क्वेश्चन आते हैं, पिच ऑफ द हेलिक्स, हेलिक्स का पिच क्या होता है, 3.4 नैनोमीटर, एनएम मीन्स नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर इसका पिच होता है, और नैनोमीटर को हम एंस्ट्रॉम में बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी ब्रैकेट में हमने ये भी लिखा हुआ है 34 एंस्ट्रॉम। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ बेसिस पेयर्स इन ईच टर्न, हर टर्न में, मतलब ये एक टर्न हो गया, सेकेंड टर्न हो गया, थर्ड टर्न हो गया, तो हर टर्न पे कितने नंबर ऑफ बेसिस पेयर्स लगे हुए, ये कौन से बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस है हमारे, जो हमने पीछे पढ़े थे ना, नाइट्रोजन एडेनिन गुआनिन थाइमिन, ये सब नाइट्रोजनस बेस है, तो वही बेस पेयर हर एक टर्न पे कितने हैं, 10 है। फोर्थ पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स, डिस्टेंस किसके बीच का, एडजेसेंट बेस पेयर्स का, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 0.34 नैनोमीटर हमें बताया गया, यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉम। इजी है, यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये रहा 3.4 नैनोमीटर, ये क्या है, दो एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस है 0.34, ठीक है। और ये जो लास्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स, इसे बहुत अच्छे से याद कर लो, आगे अगर हमें अभी हम आगे चलेंगे तो हमें डीएनए का लेंथ निकालनी होगी, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट है, ये काम आता है, तो दोबारा याद करा रही हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर। आगे चलते हैं, द बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट्स। बैकबोन जो होती है डीएनए की वो किससे बनती है, शुगर से और फॉस्फेट से, कौन सा शुगर, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट जो ग्रुप था उससे। यहाँ पे दिख रही होगी ये री, ये जो लाइट ब्लू कलर से हमें दिख रही है ना, एक ये री 3 प्राइम से शुरू होती हुई 5 प्राइम पे खत्म हो रही है, एक 5 प्राइम से शुरू होते हुए 3 प्राइम पे खत्म हो रही है, तो ये दो बैकबोन है इसकी, और ये किससे बनी है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, इससे फॉर्म होती है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, द बेसिस प्रोजेक्ट्स इनसाइड, इनके अंदर जो ये हमें कलरफुल से दिख रहा है ना, ए टी जी सी फिर टी ए, तो ये कलरफुल से जो कॉम्बिनेशन है ये बेसिस प्रोजेक्ट है। थर्ड पॉइंट है द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और ये हमेशा बच्चे गलत करते हैं, द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, मतलब दो चेन है, हमने पढ़ा डीएनए में क्या है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और दोनों ही चेन की क्या होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, अगर पहले की पोलैरिटी 3' to 5' है तो दूसरे की 5' to 3' होगी, एंटी पैरेलल, एक अगर ऐसे है तो दूसरी उसकी अपोजिट होगी।
यहाँ नीचे लिखा भी है दैट इज, इसका मतलब क्या है, द वन चेन हैज द पोलैरिटी 5' to 3' एंड द अदर हैज 3' to 5'। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे पिक्चर्स दिखा रखी हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये पेंटोज शुगर है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर की बैकबोन है ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। यहाँ पे हम देखते हैं द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू एच बोन। अब बेसिस की बात की जा रही है, बाहर का बोन हमने बैकबोन पढ़ लिया, कितने उसमें बेसिस अटैच होते हैं ये पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर, ये एक स्ट्रैंड है ये दूसरा स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड पे एक बेस पेयर लगा होगा दूसरे पे दूसरा, और दोनों का जब कंबाइन होते पेयर बनाते तो उनके बीच में कुछ बॉन्ड होगा तभी वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो बॉन्ड है द स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू एच बॉन्ड, वो एच बॉन्ड से क्या है पेयर्ड है टू फॉर्मिंग बेस पेयर, ताकि वो क्या बना सके अपना एक बेस पेयर बना सके। और ब्रैकेट में बेस पेयर्स को हम बीपी भी लिखते हैं। अब है किस तरह से ये अपना पेयर बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा जो पेयर होता है इनके बीच का वो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। तो अब जैसे हम फर्स्ट ये वाली बात करते हैं, ये ए है एडेनिन एंड टी फॉर थाइमिन, इन दोनों के बीच का जो बेस पेयर है ये दो बॉन्ड का होता है, यानी दो बॉन्ड मतलब दो हाइड्रोजन के बॉन्ड लगे होंगे। आगे चलते हैं सी और जी, यानी कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब है प्यूरीन कम्स अपोजिट टू अ पिरामिडीन, प्यूरीन हमेशा पिरामिडीन के अपोजिट होता है। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था प्यूरीन्स और पिरामिडीन्स में क्या क्या लाई करते हैं, है ना। तो जो प्यूरीन्स है वो हमेशा पिरामिडीन के अपोजिट साइड पे लगे होंगे। दीज जनरेट्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस, अब ऐसा क्यों होता है, सो यहाँ पे दे रखा है दीज जनरेट्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स, ताकि दोनों ही स्ट्रैंड्स के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन रहे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये फिर से वही डीएनए का स्ट्रक्चर है, हर जगह डीएनए मिलेगा, डीएनए पढ़ रहे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये बीच में बेस पेयर शो कर रखा है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन शो कर रखी है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या दिखा रखा है हमें, इस स्ट्रक्चर में हमको ये दो तो बैकबोन दिखा रखी है, और ये जो अंदर कलरफुल सा स्ट्रक्चर है दीज आर द बेस बेसिस है। देन फर्दर यहाँ पे बता रखा है द सर्कल वन जो लाइट ब्लू कलर का है ये हमारा क्या है फॉस्फेट ग्रुप है, डार्क ब्लू हमारा पेंटोज शुगर है, और ये जो अंदर के मैंने बताया बेसिस है नाइट्रोजन बेसिस है। अब हम बात करते हैं एर्विन चारगास रूल की, आपको ये पिक में नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। ये जो साइंटिस्ट है ये कौन है, एर्विन चारगास ये हमारे साइंटिस्ट है। और अब हम इनका रूल पढ़ते हैं, इन्होंने क्या रूल दिया था, इन डीएनए द प्रोपोर्शन ऑफ ए इज इक्वल टू टी। एक डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिस की बातें हो रही हैं, बेसिस में जो ए है एडेनिन इज इक्वल टू टी, जितना प्रोपोर्शन एडेनिन का होगा उतना टी वो किसके इक्वल होगा थाइमिन के इक्वल होगा, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ जी, और ग्वानिन का जितना प्रोपोर्शन होगा वो सी यानी कि साइटोसिन के इक्वल होगा। देयरफॉर और इसीलिए हम ये कह सकते हैं ए एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल्स टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। मैं फुल फॉर्म साथ साथ बोल रही हूँ, ए जी टी सी ऐसे नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बीच बीच में भूल जाते हैं तो बच्चे, तो इसलिए मैं इसको पूरा ही बोल रही हूँ एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। या फिर हम इसे सेकेंड ये जो हमारा बॉक्स है इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस जी या टी प्लस सी इज इक्वल्स टू वन, इसे हम वन भी मान सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब ये क्या है, हमारी एक बैकबोन ये है, एक बैकबोन ये है, और इसके बीच में नाइट्रोजन स्पेसिस है, और इसके बीच में ये बॉन्ड है। बॉन्ड मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड पीछे पढ़ा दी है, दो बेसिस के बीच में साइटोसिन ग्वानिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, टू, फिर थ्री टू थ्री टू टू टू, ये तो बहुत इजी है, ये तो याद हो जाना चाहिए अब तक, है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट उस पे क्या आता है 5 174
A bacteriophage has 5386 nucleotides. एक बैक्टीरियोफेज के पास 5386 मतलब 5386 क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कितनी बड़ी उसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी ये सोचो। फिर है बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 48502 बेस पेयर्स। बैक्टीरियोफेज के लैम्डा में क्या कितने होते हैं उसके पास, 48502 बेस पेयर्स होते हैं बीपी। फिर लास्ट है ई कोलाई हैज 4.6×10^6 बेस पेयर्स। इजी इसमें, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट ही है ये द कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए। अब हम डीएनए का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आगे मैंने जितनी भी चीज़ें बताई थी वो यहाँ पे यूज़ होंगी। तो पहला है लेंथ ऑफ डीएनए हम किस तरह निकालते हैं, फॉर्मूला है इसका। लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए की लेंथ हम कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स। नंबर ऑफ बेस पेयर्स मतलब कितने बेस पेयर्स लगे हुए हैं उस डीएनए में, जो भी डीएनए है किसी भी ऑर्गेनिज्म का अवसर था, वो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स और दो एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, 6.6×10^9। ठीक है, ये याद रखना है। हैंस द लेंथ ऑफ डीएनए, और डीएनए की लेंथ कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ बेस पेयर्स में हमने ये रखा 6.6×10^9 इनटू 0.34×10^-9। अब 0.34×10^-9 क्यों लिया है, तो ये इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, 0.34×10^-9 क्यों लिया है, बहुत इजी है, पिछली ही मैंने पहले ही बता दिया था ये इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर लो। तो ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्यों लिया है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.2 मीटर, मतलब एक ह्यूमन का जो डीएनए होता है वो 2.2 मीटर का होता है। इन ई कोलाई लेंथ ऑफ डीएनए, ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई भी मैंने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया, तो ई कोलाई का जो लेंथ ऑफ डीएनए होती है वो 1.36 mm होती है, mm मतलब माइक्रोमीटर। तो ये माइक्रोमीटर को हमने मीटर में चेंज करा तो हमारा क्या आ गया, अगर हम चेंज करते हैं तो 10^-3 लग जाती है। द नंबर ऑफ बेस पेयर्स, अब हमें बेस पेयर्स निकालने, क्योंकि हमें डीएनए तो दे रखा है, लेंथ ऑफ डीएनए दे रखा है ना, हमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकालने, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेंट, दो एडजेंट बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस भी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इज इक्वल टू 1.36×10^-3 अपॉन डिवाइडेड बाय 0.34×10^-9। एंड व्हेन वी कैलकुलेट दिस, सो हमारा क्या होगा, 4×10^6 बीपी बॉन्ड बेस पेयर। ठीक है, ठीक है, तो ये इजी था, बहुत हो गया ये कंप्लीट। तो यही आज की क्लास में बस इतना ही, ये हमारा लास्ट टॉपिक था डीएनए का। फर्दर इसमें जो भी एनसीईआरटी में कवर किया गया है वो सारा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी, आज के लिए बस इतना ही, शायद बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका कैलकुलेशंस आपको घर में प्रैक्टिस करनी है, कोई भी अगर क्वेरीज आती है, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।